इमेजिन आप किसी एग्जाम में टॉप वन परसेंटाइल पे हो बट उसके बाद भी आप फेल हो जाते हो ये रियलिटी है इंडिया में काफी सारे कंपेटेटिव एग्जामिनेशंस की एंड मैं बात करने वाला हूँ कैट एग्जाम की जो रिक्वायर्ड है आई में एडमिशन के लिए वहां नाइनटी नाइन नहीं पॉसिबल है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा बट प्रॉब्लम बस ये नहीं है कि आपको नाइनटी नाइन परसेंटाइल पे कॉलेज नहीं मिलेगा प्रॉब्लम ये भी है कि नाइन पे भी सेम कॉलेज किसी और स्टूडेंट को मिल सकता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इज इंक्लूडेड इन दिस एग्जाम आप जो एग्जाम देने जाते हो जिस एग्जाम के लिए वन ईयर टू ईयर प्रिपेयर करते हो उसका आपका परफॉर्मेंस टेन में आपने कितने मार्क्स लाए थे ट्वेल्थ के बोर्ड में आपके कितने मार्क्स आए थे उसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएशन में सी जी पी ए कितना था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है अपार्ट फ्रॉम देट ये काफी सारे और फैक्टर्स होते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर्स होते हैं बहुत अकेडमिक एंड जेंडर डाइवर्सिटी होता है उसके साथ साथ बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं बट अकेडमिक एक मेजर कॉम्पोनेट होता है

फील्ड प्रोवाइड कर रही है ऑल कैंडिडेट्स को एंड इज इट अ यूनिफॉर्म पैरामीटर इट इज नॉट एंड दैट इज एग्जैक्टली वेर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स मान लो डिफरेंट कैंडिडेट्स टेंथ एंड ट्वेल्थ में डिफरेंट बोर्ड्स के थ्रू आते हैं कैट एग्जामिनेशन अगर आप देने आओगे तो कोई आई बोर्ड से आएगा कोई सी बोर्ड से आएगा कोई स्टेट बोर्ड से आएगा इवन विद इन स्टेट बोर्ड्स डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है आई नो फॉर अ फैक्ट वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है नाइन्टी परसेंटेज से ऊपर लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सिमिलरली तमिलनाडु स्टेट बोर्ड में इट इज़ रिलेटिवली ईजी और नाइन्टी एट नाइन्टी तक भी जाती है आई सी एस सी सी बी एस ई में नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स परसेंटेज स्कोर करना रिलेटिवली ईजी होता है नाइन्टी परसेंटेज के ऊपर स्कोर करना तो डेफिनेटली ईजी होता है कम्पेयर टू से वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड बट क्या ये चीज कंसिडर की जाती है एक एम बी ए कॉलेज के एडमिशन क्राइटेरिया में कुछ कॉलेजेस कंसिडर करते हैं जो पर्सेंटाइल कैलकुलेशन लेते हैं सो यू विल ओनली बी कम्पेयर विद पीपल फ्रॉम योर ओन बोर्ड बट यहां पर भी एक प्रॉब्लम है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा बट इन मोस्ट ऑफ द बी स्कूल क्या होता है वो स्लैब वाइज आपको मार्क्स एलोकेट करते हैं यानी नाइनटी से ऊपर आया तो आपको फुल टेन पॉइंट एट्टी से ऊपर आया तो एट पॉइंट सेवेंटी से ऊपर आया एंड सो ऑन एंड ऑन एंड इस वाइज का मतलब क्या हो गया 88 परसेंटेज मान लो किसी ने वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड में स्कोर किया है दैट इज इक्वल टू समी एट परसेंटेज इन आईसीएससी विच वी नो फॉर अ फैक्ट इट इज कंप्लीटली इनरेलीवेंट परसेंटाइल बहुत डिफरेंट होने वाली है उन दो कैंडिडेट्स की इन दे पर्टिकुलर बोर्ड बट कैलकुलेशन कैलकुलज ऑल्सो एक्जैक्टली नॉट फेयर दो इट्स द बेस्ट मेथड बट इसका लूपोल भी कोविड में देखा गया था तो मान लो किसी ने 2020 में बोर्ड्स दिया है एंड किसी ने 2019 में बोर्ड्स दिया था उनका जो मार्क्स का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो सकता था बिकॉज ऑफ द चेंज इन मार्किंग मार्किंग पैटर्न जो सेम बोर्ड में भी काफी वेरिएशन देखे गए थे अक्रॉस दस मार्किंग पैटर्न में अक्रॉस द ईयर एंड आप जब कैटे एग्जाम देने जाओगे तो so काफी सारे स्टूडेंट्स अक्रॉस बैचेज रहते हैं जिसने टू थाउजेंड नाइनटीन में बोर्ड दिया होगा वो भी होगा जिसने ट्वेंटी ट्वेंटी में बोर्ड दिया होगा वो भी होगा And आपकी परसेंटाइल कैलकुलेशन कोई एक पर्टिकुलर ईयर को बेंच मार्क मान के की जाती है विच मीन्स कि अगेन आपका परसेंटाइल कैलकुलेशन इज नॉट एक्सैक्टली फेयर वो बस आपके ईयर के अकॉर्डिंग नहीं है एंड ये प्रॉब्लम और भी सीरियस हो जाती है आपके ग्रेजुएशन मार्क्स के साथ बिकॉज इतने सारे स्ट्रीम्स इतने सारे डिपार्टमेंट इतने सारे कॉलेज आप एक यूनिफॉर्म परसेंटाइज तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते द बेस्ट that someone can do डू इज मे भी आपका यूनिवर्सिटी का परसेंटाइज ले लिया जाए या फिर मान लो आप मैकेनिकल इंजीनियर हो सो so सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स का परसेंटेज कंबाइन करके आपको पर्सेंटाइज एलोकेट किया जाए बट यहाँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर प्राइवेट यूनीवर्सिटी से होगा कोई मैकेनिकल इंजीनियर आई से होगा कोई मैकेनिकल इंजीनियर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से होगा एंड डिफरेंट कॉलेजेस का मार्किंग स्कीम तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है आई नो दैट नाइन पॉइंट लाना कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस में इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टेन ट्वेंटी स्टूडेंट स्कोर दैट काइंड ऑफ पॉइंटर हाउ एवर कुछ कॉलेज में स्पेशली मेरे कॉलेज में मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से हूँ उस कॉलेज में भी नाइन पॉइंट लाना बहुत डिफिकल्ट था एक दो कैंडिडेट्स के ही आते थे हु वेद द टॉपर्स ऑफ आर बैच एंड उसमें मैं अगर कंपीट कर रहा हूँ विद अ सिमिलर इंजीनियर फ्रॉम अनादर यूनिवर्सिटी स्कोरिंग नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट नाइन तो ऑब्वियसली आई विल बी एट अ डिसएडवाटेज बट वेट वेट प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुई है इसके बाद भी एक और प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ सी जी पी ए टू परसेंटेज कन्वर्शन डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट मेट्रिक होता है एंड एम बी ए कॉलेजेस जो मेट्रिक देखते हैं वो परसेंटेज होता है नॉट द सी जी पी ए ना विच मीन्स किसी कॉलेज में हो सकता है नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट नाइन सी जी पी ए हो एंड उनका कन्वर्शन फैक्टर टेन भी हो सकता है विच मीन्स नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन परसेंटेज मिल गया उस कैंडिडेट को कोई कॉलेज ऐसा भी हो सकता है जिसके कन्वर्शन फैक्टर नाइन पॉइंट फाइव हो तो ऐसे ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा आपका परसेंटेज 9.5 एंड 10 का कन्वर्शन फैक्टर बहुत डिफरेंस होता है एंड कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जहां कोई कन्वर्शन फैक्टर होता ही नहीं है आपको एब्सोल्यूट परसेंटेज दे दिया जाता है विच मींस वो कन्वर्शन फैक्टर 9 का भी नहीं हुआ एंड दैट मीन्स आप बहुत सीरियस डिसएडवाटेज में हो अगर आपका कन्वर्शन फैक्टर नाइन से भी नीचे है एंड जब कैंडिडेट्स पूछते हैं क्यों नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंटाइल के बाद भी मेरे पास आई एम बैंगलोर का कॉल नहीं था शॉर्ट लिस्ट नहीं थी एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीज़न की ये जो कन्वर्सन फैक्टर्स होते हैं ये जो अकेडमिक मार्क्स होता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट टू अनिफॉर्म लेवल शायद मेरा सी जी पी अकॉर्डिंग टू माई कॉलेज काफ़ी अच्छा हो बट इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर कॉलेजेस एज वेल एज यू कम्पेयर इट अक्रॉस द बेंच मार्क दट आई एम बैंगलोर इज कंसिडरिंग वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड दैट इज़ वाई आई डि नॉट है कॉल फ्रॉम आई एम बैंगलोर और इवन एट नाइन पॉइंट नाइन परसेंटाइल एंड मैं बस अकेला नहीं था मेरे मेरे फ्रेंड के पास नाइन्टी नाइन पॉइंट एट पर आई एम अहमदाबाद का कॉल नहीं था शायद मैं अगर एक दो क्वेश्चन गलत करके आता मेरे पास आई एम अहमदाबाद का कॉल भी नहीं होता उसके साथ साथ काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन पर भी उनका आई एम इंदौर का कॉल नहीं था मेरे पास अगर मैं अगर नाइन्टी नाइन भी स्कोर कर लेता नाइन्टी एट भी स्कोर करता तब भी मेरे पास आई एम इंदौर का कॉल रहता बिकॉज मैं टेंथ एंड ट्वेल्व में आईसीएससी बोर्ड में था एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी तो ये चैलेंजेस हैं जो अकेडमिक मार्क्स कंसिडर करना बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं टू मेक इट अ यूनिफॉर्म लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरी कैंडिडेट बट द गुड थिंग इज दैट डिफरेंट कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है जैसे मेरे पास आई एम बैंगलोर का कॉल नहीं था बट आई हैड अ कॉल फ्रॉम अम अहमदाबाद एंड इफ दैट वॉज द कॉलेज आई टू गेट इन टू आई नॉट रिग्रेट नॉट गेटिंग अ कॉल फ्रॉम आई एम बैंगलोर आपको अपना करियर बनाने के लिए बस एक अच्छा कॉलेज चाहिए यू विल नॉट स्टडी इन मल्टीपल कॉलेजेस राइट तो अगर आपका टेंथ एंड ट्वेल्थ अच्छा है तो आप आई एम इंदौर के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आपका ग्रेजुएशन मार्क्स अच्छा है ट्वेल्थ का मार्क्स अच्छा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो प्रॉब्लम आई एम अहमदाबाद के लिए अगर आपका टेंथ एंड ग्रेजुएशन अच्छा है वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाते हो आई एम बैंगलोर के लिए अगर आपके अकेडमिक मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं उसके बाद भी ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं एफ एम एस है आई एम कैलकटा है जो फिर भी आपका कैट परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन कंसिडर करेगा सो दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग दैट डिफरेंट कॉलेजेस का सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट

को बनाने का पर्पस एक ही है काफी सारे कैंडिडेट्स ने 99, 99.5 स्कोर किया था दिस ईयर एज वेल एंड दे कुड नॉट कन्वर्ट ड्रीम सो दे आर एड्रेसिंग एज फेलियर करियर में क्या होगा पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद सो उनके लिए ये मैसेज है अगर आपने नाइनटी नाइन स्कोर किया है विच शोज यू आर केपेबल इनफ टू डू मेनी गुड थिंग्स इन लाइफ आपने फुल एफर्ट डाला था अपने साइड से उसके बाद काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है इसलिए अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते डोंट ब्लेम योर सेल्फ ट एंड डों टू हार्ड ऑन यहा है आप टेंथ एंड ट्वेल्थ में शायद इतने अच्छे नहीं थे या फिर कोई रीजन हो सकता है आपने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया हो बट कैट में अगर आपने रेक्टिफाई किया है उस चीज को देन डेफिनेटली आप में कुछ बात है एंड दैट्स अ गुड इनफ इंडिकेटर फॉर द वर्ल्ड अगर जरूरी है तो पेरेंट्स के साथ भी यह वीडियो आप शेयर करो एंड जीतू भैया ने कोटा फैक्ट्री में बताया था कि प्रेपरेशन ही जीत है एंड ट्रूली किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन ही जीत होती है आप बस अगर ये पॉइंट भी अपने सी में लिख दो ना कि आपने कैट में नाइन्टी स्कोर किया है उससे भी काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे बिकॉज दो रिक्रूटर्स ऑल्सो नो देर आर सो मेनी फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन इन अ गुड बी स्कूल एंड अगर आपने नाइन्टी नाइन परसेंट टाइम स्कोर किया है विच मीन्स यू डिजर्व अ चांस एट लीस्ट सो so, ये वीडियो आपके लिए डिमोटिवेटिंग नहीं होनी चाहिए ये याद रखना कि यस ये रियलिटी सबको पता होता है उसके बाद भी कैंडिडेट्स फाइट करते हैं नाइनटी नाइन पॉइंट टू के बाद मैंने ड्रॉप किया था मुझे ये पता था मेरा टेंथ का मार्क्स ट्वेल्थ का मार्क्स ग्रेजुएशन का मार्क्स कुछ चेंज नहीं होने वाला है वर्क एक्सपीरियंस भी एक साल में कुछ चेंज नहीं होने वाला है बट एक ही वो एम था कि मैं परसेंटाइल इंक्रीज कर लूँगा तो शायद कोई कॉलेजेस कन्वर्ट हो जाएंगे एंड बस वही आपका एक एम होना चाहिए नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंटाइज ले आओ बहुत सारे कॉलेजेस आपको एक्सेप्ट कर